जिस समय दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप की शुरुआत हुई थी तब ब्राजील में इसके कम ही मामले सामने आए थे। हालांकि अब यहां संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ब्राजील अब कोरोना का नया गढ़ बनता नजर आ रहा है। ब्राजील देश में गुरुवार को 26,417 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 4,38,238 पर पहुंच गई, जबकि मरने वालों की संख्या 26,754 पर पहुंच गई। 21 मई को देश में 1,188 मौतें हुई थी। मार्च के आखिर में ब्राजील में कोरोना के 3,000 से कम मामले थे। तब वहां के राष्ट्रपति नागरिकों को काम पर वापस जाने और कोरोना वायरस को खतरा मानने से मना कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। देश के नाम संबोधन में बोल्सनारो ने मेयर और राज्य के गवर्नरों से लॉकडाउन के उपायों को वापस लेने का अनुरोध किया था, क्योंकि इससे रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो शहर ठहर गए थे। राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस को मामूली फ्लू करार दिया था। इससे संकेत मिला था कि उन्हें महामारी की कितनी चिंता है, लेकिन अब कोरोना ब्राजील में अपनी पेठ बनाने में कामयाब हो गया है। ब्राजील में लॉकडाउन को नहीं लगाने से कोरोना के संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके उलट जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक देश में कोहराम बचने वाला है। खैर, कोरोना से बचाव है एकमात्र उपाय, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।